हर हर महादेव, बोल बम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है मैं आपको वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। पिछले वीडियो में जब मैंने कुछ वीडियो डाला था तो उसमें आप लोगों का काफी सारे कमेंट आए थे, जैसे कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक कमेंट है कि मालामास में कांवड़ यात्रा होगा या नहीं। इसी तरह के दोस्तों 6 या 7 क्वेश्चन है, तो वो सातों क्वेश्चन का मैं आज आपको रिप्लाई देने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं से शुरू करते हैं, एंड अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि हमारा जो आप लोग से आया है कि पहला है हमारा कि सावन मेला कब से शुरू होगा देवघर में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर है कि हमारा जो सावन मेला देवघर में वो 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त तक चलेगा, जो कि पूरा 59 दिनों का होने वाला है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर चले तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सावन मेला देवघर में कितना दिन तक चलेगा। तो मैंने आपको बताया कि सावन मेला आपका देवघर में पूरा 2 महीना यानी 59 दिनों का चलेगा, ठीक है, जिसमें 1 महीना आपका मालामास का है और 1 महीना आपका जो आपका सावन है उसका है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि दोस्तों कांवड़ यात्रा कब से शुरू होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारा जो देवघर में हमारा झारखंड में जो सुल्तानगंज से जो देवघर जो कांवड़ यात्रा होता है वो आपको हमारा जो है वो आपका 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 4 जुलाई से पहले भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी उतने बम लोग हमको कांवड़िया पथ में नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन बम लोग का जो भीड़ होगा वो आपका 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 31 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। और दोस्तों तो आपका चौथा क्वेश्चन की ओर जाते हैं, तो चौथा क्वेश्चन ये है कि कांवड़िया पथ में दुकान बना कि नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों काफी लोगों का मतलब कि डाउट आप लोग का आ रहा था, तो आज मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कांवड़िया पथ है जो आपका झारखंड भी है झारखंड ये देवघर सुल्तानगंज का जो कांवड़िया पथ में जो दुकान है वो दुकान बन चुका है, ठीक है। मतलब कि दुकान बना नहीं था, जब तक डीसी का ऑर्डर नहीं आया था तब तक दुकान वगैरह नहीं बना था, लेकिन अब डीसी का ऑर्डर मिल चुका है तो अब जो दुकान वगैरह जो हमारे कांवड़िया पथ में दुकान वगैरह भी अब बनना शुरू हो चुका है और काफी जल्दी अब वहां पर आपका दुकान भी बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है कि ये है कि क्या मालामास में कांवड़ यात्रा होगा। ये क्वेश्चन काफी लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि दोस्तों हमारा जो मालामास में कांवड़ यात्रा जो है वो होगा, ठीक है, जो कि आपका 59 दिन का जो आपका है कांवड़ यात्रा 59 दिन होगा, चाहे मालामास रहे चाहे सावन रहे आपको इसमें कांवड़ यात्रा होगा। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठे क्वेश्चन में छठे क्वेश्चन है कि गुड़ियारी नदी में पानी आया कि नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी लोगों का आप लोग का रहा था। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल हमारा जो गुड़ियारी नदी में पानी आ चुका है, क्योंकि हमारे देवघर में भी कुछ दिन से लगातार अप्रोक्स 10 से 12 दिन से लगातार बारिश हो रहा है, जिसके कारण अभी गुड़ियारी नदी में पूरा पानी आ चुका है। मैंने गुड़ियारी नदी का ऑलरेडी एक वीडियो बना करके रखा है, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएं, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालामास कितने दिनों का है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि मालामास आपका पूरे 1 महीना का है और उसमें आपका जो 4 सोमवारी है वो 4 सोमवारी आपका मालामास में ही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मैंने आपका सॉल्व किया। अगर आप लोग को भी कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपका वो क्वेश्चंस जो आपका रहेगा मैं उसका सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इस स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फोन करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो दोस्तों आपको हमेशा पूरा सावन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, बोल बम ओम नमः शिवाय, जय बाबा वैद्यनाथ।